आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये सच नहीं है, झूठ बोल रही है ये लड़की। इसे ईशान को भी अपनी बातों में फंसा दिया है, बाकी सबका ब्रेन वॉश कर दिया है इसने। बस मुकुल देशमुख, बस। अब एक और शब्द नहीं तेरे मुंह से। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे घिनौनी हरकत करने की? तू इसे अपना मामा कहता है ना? मामा कहता है ना इसे अपना? अरे ऐसे होता है क्या मामा? मामा में भी दो बार मां ये शब्द आता है। लेकिन दाऊन दे मुकुल, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैंने अपनी जिंदगी में ना आज तक तुझ जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। कैसे ऐसे इतने सालों से मैं अपने बच्ची को नहीं समझ पाया? नहीं समझ पाया उसका दर्द, उसकी ये तकलीफ। नहीं समझ पाया किस दौर से गुजर रही है वो। मुझे अपने आप पे घिन आती है, कैसा बाप हूं मैं? तो जैसे शैतान को मैंने अपने बेटे के पास आने दिया। तुझे पता है मुकुल देशमुख, तू जैसे हैवान का तो सबके सामने, पूरे समाज के सामने मुंह काला करना चाहिए और सबके सामने तुझे घुमाना चाहिए ताकि तेरा असली चेहरा सबके सामने आए। तुम सब मेरे जिगर का टुकड़ा हो। अरे मेरी गोद में खेले हो तुम। इसी बात की तकलीफ मुझे सबसे ज्यादा हो रही है। बचपन की यादें जुड़ी हैं मेरी आपसे, हम सब की यादें जुड़ी हैं आपसे। आज तक जो हम आपको समझते आए थे मामा, वो तो आप हो ही नहीं। आप तो एक नंबर के नीच घिनौने और गिरे हुए इंसान हो। बस औकात ही क्या है तुम सबकी मेरे सामने? गिरा हुआ घटिया नीच, जो मन में आए पके जा रहे हो। गाड़ी के लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हो, मुकुल देशमुख पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।